दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम आए हैं द शेलर टीवीएस अरण्येश्वर पुणे। टीवीएस की सभी स्पोर्ट्स बाइक्स स्कूटर्स आपको यहां पर स्टॉक में और डिस्प्ले पे मिलेगी। आप यहां पर सभी बाइक स्पोर्ट्स बाइक और स्कूटर्स का टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। ये इनका बड़ा और स्पेशियस शोरूम है। द शेलर टीवीएस अरण्येश्वर पुणे का हेल्पफुल एंड ट्रेन स्टाफ आपकी थ्रू आउट प्रोसेस हेल्प करता है। आज हमारे सामने है टीवीएस की मोस्ट पावरफुल स्कूटर टीवीएस यंटॉर्क 125। ये स्कूटर 6 वेरिएंट्स एंड 14 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले स्कूटर के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी एंड ऑल द डिटेल्स। टीवीएस यंटॉर्क के मेन कॉम्पिटिटर्स है सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125, हीरो मास्टर एज 125, एमआरए ZR 125 एंड एप्रिल ISR 125। आज हमारे सामने है टीवीएस यंटॉर्क 125 रेस XP। स्क्रीन के ऊपर हम इसका रेस रेड ब्लैक कलर देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगता है। यंटॉर्क की बैजिंग आपको साइड पैनल के ऊपर मिलती है। एलईडी हेडलाइट्स के साथ स्कूटर आते हैं। स्कूटर के फ्रंट लुक्स काफी एग्रेसिव और स्टाइलिश लगते हैं। टी शेप एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स और टर्न इंडिकेटर्स हैलोजन मिलते हैं। स्क्रीन के ऊपर हम स्कूटर का फ्रंट लुक देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ऑन के साथ स्कूटर आती है। यंटॉर्क की बैजिंग, 125 रेस XP की बैजिंग, SBT ब्रेकिंग सिस्टम के साथ यंटॉर्क आती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। 12 इंच के रेड कलर में अलॉय व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट टायर की साइज है 118x12 की। रियर टायर की साइज है 110x80-12 की। यूएस रेसिंग की बैजिंग हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये स्कूटर काफी सारे फीचर्स के साथ लोडेड आती है। इसके लुक्स काफी अट्रैक्टिव है। आपको इस स्कूटर में ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। फ्रंट में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद हाइड्रोलिक डैम्पर और रियर में मिलता है कॉइल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन। एडिशनल फीचर्स में आपको RTFI लास्ट पार्क लोकेशन असिस्टेंस, वॉइस असिस्टेंस मिलता है। हैंडल के ऊपर आपको कई सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, हॉर्न का बटन, इंडिकेटर। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको इस स्कूटर में मिलता है। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर डिजिटल मिलता है। डिजिटल फ्यूल गेज के साथ ये स्कूटर आती है। डिस्प्ले की डिजाइन काफी स्टाइलिश लगती है। यंटॉर्क की बैजिंग, रेस XP की बैजिंग आपको यहाँ पर मिलती है। बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। नंबर ऑफ ट्रिप मीटर्स 3 मिलते हैं। ट्रिप मीटर्स डिजिटल मिलता है। इसके साथ ही लो लेवल फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर आपकी स्कूटी में मिलता है। इग्निशन कट का स्विच, हजार्ड लाइट का बटन, इंजन स्टार्ट का बटन और वॉइस असिस्टेंस का बटन आपको यहाँ पर मिलता है। किड्स की पोजिशन हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। किड्स के ऊपर आपको TVS का लोगो और TVS की बैजिंग मिलती है। आपको इस स्कूटर में सर्विस रिमाइंडर्स भी मिलते हैं। बैटरी 12 वोल्ट की मिलती है। बहुत ही बढ़िया अंडरसीट स्टोरेज के साथ ये स्कूटर आती है। स्क्रीन के ऊपर हम इसका ग्लोइंग डिस्प्ले देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। ग्रॉसरी बैग हैंग करने के लिए आपको यहाँ पर हुक मिलता है। बहुत ही बढ़िया लेगरूम आपको फ्रंट में मिलता है। काफी कंफर्टेबल सीटिंग के साथ ये स्कूटर आती है। इलेक्ट्रिक स्टार्ट आपको इस स्कूटर में मिलता है। रियर सस्पेंशन प्रीलोड एडजस्टर के साथ ये स्कूटर आती है। आपको इस स्कूटर में काफी कंफर्टेबल सीटिंग मिलती है। यंटॉर्क 125 की बैजिंग, ग्रैब रेल्स आपको इस स्कूटी में मिलता है। 124.8 cc का पावरफुल इंजन ये प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर ऑफ 10.06 bhp और मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 10.8 न्यूटन मीटर। मिडिल स्टैंड हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस स्कूटर का टॉप स्पीड है 98 किलोमीटर पर आवर। आपको राइडिंग मोड, स्ट्रीट और स्पोर्ट मिलते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये स्कूटर आती है। रियर में टी शेप LED टेल लाइट्स मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है। हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स के साथ ये स्कूटर आती है। TVS की बैजिंग, टर्न इंडिकेटर्स, रियर रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट के लिए जगह, नंबर प्लेट लाइट्स आपको रियर में मिलती है। स्कूटर के रियर लुक्स काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगते हैं। गियर शिफ्टिंग पैटर्न ऑटोमेटिक मिलता है। ट्रांसमिशन टाइप CVT मिलता है। सिंगल सिलेंडर के साथ ये स्कूटर आती है। आपको इस स्कूटर में 3 वॉल्व्स मिलते हैं। रियर अलॉय व्हील, इंजन के ऊपर TVS की बैजिंग, किक स्टार्ट, रियर सस्पेंशन हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आपको रेस XP में एयर कूल्ड इंजन मिलता है। फ्यूल डिलीवरी सिस्टम फ्यूल इंजेक्शन वाली मिलती है। क्लच ऑटोमेटिक मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.8 लीटर्स की है और रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी 1 लीटर की है। इस स्कूटर के इमिशन स्टैंडर्ड BS6 फेज 2 के अनुसार है। अभी हम इस स्कूटर का अंडरसीट स्टोरेज ओपन कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया अंडरसीट स्टोरेज के साथ ये स्कूटर आती है। OBD स्विच, आपको इस स्कूटर में बहुत ही बढ़िया 20 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज मिलता है। हेलमेट और कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। फर्स्ट एड किट, बहुत ही बढ़िया स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है।
टीवीएस एंटॉर्क अपने स्टाइलिश लुक्स और बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। काफी कंफर्टेबल सीटिंग के साथ ये स्कूटर आती है, इसकी साइड प्रोफाइल काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। दोस्तों अब हम इसका फ्यूल लिड ओपन करने वाले हैं। यहाँ पर आपको फ्यूल लिड ओपनर के लिए स्विच मिलता है। अभी हमने स्कूटर का फ्यूल लिड ओपन किया है। E20 और एंटॉर्क की बैजिंग आपको फ्यूल लिड के ऊपर मिलती है। फ्यूल लिड आपको रियर में मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.8 लीटर्स की है। मोबाइल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इस स्कूटर में मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं स्कूटर के मैन्युफैक्चरर वारंटी के बारे में। आपको इस स्कूटर में मिलती है 5 साल की 50,000 किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। एंटॉर्क आती है हाई रिजिडिटी अंडरबोन रेक्टेंगुलर ट्यूब टाइप चेसिस के साथ। एंटॉर्क की सीट हाइट है 770 mm, ओवरऑल लेंथ है 1.861 मीटर्स। 155 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ ये स्कूटी आती है। स्मार्ट कनेक्टिविटी आपको इस स्कूटर में मिलती है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ आने वाली एंटॉर्क आपको बहुत पसंद आएगी। आई वुड लाइक टू थैंक्स जयंत देवकर सर, मैनेजर ऑफ द शेलर टीवीएस अरुणेश्वर पुणे, ऑल द स्टाफ ऑफ द शेलर टीवीएस अरुणेश्वर पुणे एंड शेलर ग्रुप। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेलर टीवीएस अरुणेश्वर पुणे का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मेंशन किया हुआ है। आपके पसंद की स्पोर्ट्स बाइक, बाइक और स्कूटर खरीदने के लिए जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।